और आपके साथ मैं हूं फराह खान। उत्तर प्रदेश के बदायूं में योगी सरकार के आदेश के बाद बनी अस्थाई गौशाला का गेट तोड़कर भागे सांड ने एक बच्चे को कुचल दिया। सांड के कुचलने से घायल हुए 12 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही मारे गए बच्चे के परिजन शव को सड़क पर रखकर मातम मनाने लगे। डेली लग आ रहे बच्चे और टूट भाई लेके आ रहा है तो उसे पीछे आ रहा है, बाजार आया तो रोंद गए और जहाँ पटक रहे। हादसे के बाद गुस्साए लोग प्रशासन से अस्थाई गौशाला को हटाने की मांग पर प्रदर्शन करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग गौशाला हटाने की मांग पर अड़े रहे। इलाके में बनी अस्थाई गौशाला का टूटा हुआ गेट भी पुलिस वालों ने रस्सी से बांधकर बंद किया। वहीं इलाके के लोगों ने सांड के हमले में एक और बच्चे के घायल होने का भी दावा किया। यूपी के आगरा में नगर निगम का दफ्तर मारपीट का अखाड़ा बन गया। यूपी पुलिस के अफसरों और जवानों के सामने ही राष्ट्रीय बजरंग दल के एक नेता को कर्मचारियों ने जमकर पीटा। जबकि पुलिस वाले लगातार बजरंग दल के नेता गोविंद पाराशर को बचाने की कोशिश करते रहे। नगर निगम के दफ्तर में गोविंद पाराशर कुछ महिलाओं को साथ लेकर पहुंचे थे, लेकिन हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस गोविंद पाराशर को पकड़ने पहुंच गई। लेकिन पुलिस वालों के पीछे पीछे कुछ लोग मौका ढूंढते हुए चल रहे थे। एक शख्स अचानक गिर गया, ये भी उन्हीं लोगों में था जो गोविंद पाराशर को पीटने का मौका ढूंढ रहे थे। चंद कदम और चलने के बाद लोगों ने गोविंद पाराशर को पुलिस वालों के घेरे से खींचकर पीटना शुरू कर दिया। लात घूंसे चलने लगे और गोविंद पाराशर जमीन पर गिर गया। पीटने वालों में एक तो बाकायदा हेलमेट पहनकर आया था, लेकिन अगले ही पल गोविंद पाराशर दोबारा उठकर खड़ा हो गया और बचकर भागने लगा, क्योंकि गोविंद पाराशर को बचाने वाले पुलिस वाले गिनती में कम थे, जबकि गोविंद पाराशर को पीटने की कोशिश करने वालों की भारी भीड़ थी। इसलिए नगर निगम के दफ्तर के बाहर लगी रेलिंग से भागता हुआ गोविंद पाराशर सड़क पर पहुंच गया। गोविंद इतनी तेजी से भागा कि पुलिस वाले भी पीछे रह गए। नगर निगम के कर्मचारियों को सड़क पर दौड़ते गोविंद पाराशर तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। हमलावरों ने गोविंद पाराशर को घेर लिया और सीधा सड़क पर गिरा दिया। एक आदमी ने गोविंद का पैर पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, तभी बाकी लोगों ने लाते मारनी शुरू कर दी। तभी पीछे से पुलिस वाले भी पहुंच गए, जिन्होंने बिना देर किए गोविंद पाराशर को हमलावरों से छुड़ा लिया। लेकिन तब तक गोविंद पाराशर की धुनाई हो चुकी थी। कानून के सामने ही सरेआम बजरंग दल के नेता की धुनाई की जा चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नगर निगम के इन कर्मचारियों को पुलिस वालों का जरा भी खौफ नहीं था, इसलिए उन्होंने पुलिस वालों के कब्जे से छुड़ाकर एक नेता को सरेआम पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद आगरा के नगर निगम को अखाड़ा बनने में देर नहीं लगी। झगड़ा तब शुरू हुआ जब नगर निगम की टीम कुछ अवैध कब्जों को हटाने के लिए पहुंची। बजरंग दल के नेता गोविंद पाराशर कुछ महिलाओं को लेकर विरोध करने नगर निगम पहुंच गए। आरोप लगाया कि ये कार्रवाई नगर निगम के कुछ रिश्वतखोर अफसरों की वजह से हुई। दो जन राठी और यहाँ पे चार पांच जो नगर निगम है जिसमें दलाली करते हैं, पूरी नगर निगम को बदनाम करते हैं। लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों ने गोविंद पाराशर पर अफसरों से मारपीट का आरोप लगाया। गोविंद पाराशर ने नाम का एक व्यक्ति अपने 500 गुंडों को लेकर आया और यहाँ हमारे नगर निगम कार्यालय में तोड़फोड़ करी, हमारे एसएनए साहब अनुपम शुक्ला के साथ मारपीट करी, हमारे कर्मचारियों को पूरी तरह से मारा। नगर निगम के कर्मचारियों ने गोविंद पाराशर को सरेआम पीटा ही नहीं बल्कि काफी देर तक सड़क भी जाम रखी। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राम मंदिर बनने पर हो रही देरी पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग मंदिर बनाने की बात करते हैं वो ही मंदिर बनाने नहीं देना चाहते। थोड़ा सा इन लोग अपना आंख दिखाए तो खर्चे मिल आ गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। मंदिर बनवाने वाले लोग खुद नहीं चाहते हैं कि मंदिर बने, सरकार आपकी है दिल्ली से लेके लखनऊ तक आपकी है, आप क्यों नहीं बनवाते, दोष देते हो। भाजपा का कोई भी बड़ा नेता भाषण देता कांग्रेस में ही बनने दे रही है, कांग्रेस में हाथ में का है तो विपक्ष में भी नहीं है दिल्ली में। प्रयागराज में अकबर के किले में मौजूद अक्षय वट को सैकड़ों साल के इंतजार के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सेना के अधिकारियों के साथ अक्षय वट का दर्शन करने पहुंचे और उन्होंने अक्षय वट के दर्शन के साथ उसकी परिक्रमा की। इस दौरान राज्य के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे और उन्होंने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अक्षय वट के सामने माथा टेका। 450 वर्षों से जो भावनाएं दबी हुई थी, अक्षय वट का दर्शन हर श्रद्धालु कर सके, उन भावनाओं को एक नया संबल इससे प्राप्त होगा। योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश की पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के साथ किले के भीतर मौजूद सरस्वती कूप के भी दर्शन किए। वहां सीएम ने सरस्वती की प्रतिमा की आरती भी की।
योगी आदित्यनाथ के दर्शन के बाद अक्षय वट को आम जनता के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद लोगों ने अक्षय वट के दर्शन किए और उसके साथ सेल्फी ली। आप जब तक अक्षय वट के दर्शन ना कर लें आपकी कुंभ की जो यात्रा है वो अधूरी रहती है। ऐसे में ये एक नई सौगात जो सीएम योगी आदित्यनाथ है उन्होंने लोगों को दी है, तमाम लोग यहाँ पर आकर आप इस अक्षय वट के दर्शन कर पाएंगे। इससे पहले किले के भीतर जाने पर रोक होने की वजह से आम लोग अक्षय वट के दर्शन नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से किले के भीतर मौजूद अक्षय वट को लंबे समय से आम जनता के लिए खोले जाने की मांग की जा रही थी। मंदिर के पुजारी के मुताबिक हजारों साल पुराने बताए जाने वाले बरगद के इस पेड़ का जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है और हिंदू मान्यताओं में इसे कभी नष्ट नहीं होने वाला पेड़ माना गया है। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1583 में अकबर ने संगम के किनारे मौजूद इस पेड़ को घेरते हुए किला बनाया था। आजादी के बाद इस किले को सेना को सौंप दिया गया, लेकिन आम लोगों के लिए किले के भीतर जाने पर रोक लगी हुई है। बीते साल 16 दिसंबर को प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने किले को आम जनता के लिए खोलने का ऐलान किया था और अब किला खुलने के बाद उसके अंदर मौजूद अक्षय वट को भी आम जनता के दर्शन के लिए खोल दिया गया।